नमस्कार, मैं महक आहूजा मसाला स्टफिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैंगोस, आम हम सबके बहुत फेवरेट है। ये गर्मियों के मौसम में जब मैंगोस मिलते हैं मार्केट में तो हम तो जैसे खुशी से फूले नहीं समाते। मैंगोस आम आ गए, आम आ गए, आम आ गए। आम के साथ हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, हम इसको बहुत सारे डेजर्ट्स में यूज करते हैं। यमी मैंगोस, फेवरेट मैंगोस, अगर हम उन मैंगोस को पूरा साल इंजॉय करें तो कितना अच्छा होगा। आज मैं आपके साथ मैंगो पल्प को स्टोर करने का एक परफेक्ट तरीका बताऊंगी, जिसको स्टोर करके आप कभी भी अपनी यमी डिशेस यमी मैंगोस के साथ बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंगोस को अच्छे से वॉश करके छोटे पीसेस काट के मिक्सर जार में मैंने इसका पल्प बना लिया। अब कुछ टिप्स। टिप नंबर वन, पहला टिप क्या है, जब हम मैंगोस का पल्प बना लें तो अगर तो हम अच्छी क्वालिटी का मैंगोस यूज कर रहे हैं तो जो उसका जो पल्प बनेगा वो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ आएगा। ये देखिए, ये स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ। अगर हम कुछ ऐसे मैंगोस ले रहे हैं जिसमें थोड़े से थ्रेड्स होते हैं तो उसमें उसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मैंगो पल्प को एक बार स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन कैसे करेंगे, एक मसलिन क्लोथ में मैंगो पल्प डाल के उसको अच्छे से नीचे से निकाल दें तो उससे क्या होगा कि जो मैंगो पल्प के थ्रेड्स हैं वो मसलिन क्लोथ में ही रह जाएंगे और जो स्मूथ पल्प होगा वो ऐसे नीचे आ जाएगा। अब मेरा जो पल्प है ये एकदम से स्मूथ है, मुझे इसको स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। पर आप ध्यान रखिए, अगर आप इस मैंगो दूसरी तरह के यूज करें तो उसको स्ट्रेन जरूर कर लें। टिप नंबर टू, टिप नंबर टू ये है कि जब भी हम मैंगोस को स्टोर करें फ्रीजर में रखें तो हमेशा इसको स्मॉल बैचेस में स्टोर करें। अगर आप ये बोलेंगे कि आप 2-4 किलो मैंगोस को मैंगोस का पल्प निकाल रहे हैं और उसको एक बड़े बर्तन में सारा निकाल लेंगे और उसको तब फ्रीज कर देंगे तो फ्यूचर में जब आपको मैंगोस को यूज करना होगा तब वो सारा जो जिसमें आपने मैंगोस को स्टोर किया है उसको निकालने में दिक्कत होगी। और इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम मैंगोस को फ्रीज करें, स्टोर करें, हमेशा स्मॉल बैचेस में, स्मॉल पोर्शंस में स्टोर करें। जैसे कि आप कोई आइस क्यूब ट्रे ले सकते हैं, ये जैसे मेरे पास है, कुछ ऐसे आइस क्यूब ट्रे ले सकते हैं या छोटी छोटी सी डब्बी ले सकते हैं कि आपको जितना एक टाइम के लिए मैंगो पल्प की जरूरत हो आप उतना ही मैंगो पल्प निकालें और यूज कर सकें। आपको पूरा कंटेनर निकालने की जरूरत ना हो, इसको निकालिए, यूज कीजिए, बस स्मॉल पोर्शंस में अगर हम इसको ऐसे स्टोर करते हैं। अब जैसे मैं ये मैंगो पल्प थोड़े छोटे छोटे पोर्शंस में इसको स्टोर करूंगी ताकि जब मुझे कोई मैंगो शेक बनाना हो या मैंगो लस्सी बनानी हो इतना ही फ्रीज पोर्शन जो है इतना ही मैं बाहर निकालूं और इसको यूज कर लूं। इसको मैं इस तरह से बंद करके मैं फ्रीजर में रख दूं या इस तरह से मैं आइस क्यूब में डाल सकती हूँ। ये निकालने भी आसान है और जितने चाहिए आप इसको यूज करिए और बाकी वापिस ऐसे में रख दीजिए। जब ये फ्रीज हो जाते हैं तो इजीली बाहर निकल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप इसमें डालें तो ये अच्छे से वॉश हो, ये बैक्टीरिया फ्री हो। अगर हो सके तो इसको गर्म पानी से अच्छे तरीके से वॉश करिए। अगर कोई आपके पास ऐसे सिलिकॉन की आइस क्यूब ट्रे है तो इसको थोड़ा सा गर्म पानी में आप बॉइल भी कर सकते हैं। जो ये मटेरियल अगर आपको ये अलाउ करता है गर्म पानी में बॉइल करना तो जरूर करिए, अदरवाइज आप इसको अच्छे से गर्म पानी से वॉश करिए और सूखे कपड़े के साथ अच्छी तरह से इसको सुखा लीजिए। और एक और चीज का ध्यान रखें कि अगर आप इसको बड़े बड़े कंटेनर में डालते हैं तो आप बाहर निकाल देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं ताकि आप उसको जितना आपको पोषण चाहिए उतना निकाल लें और आप ये सोचते हैं कि मैं ये दोबारा रखूंगी। नहीं, वो चीज बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें चले जाते हैं। तो ये थे क्विक टिप्स जिसके साथ कि आप मैंगो पल्प को पूरा साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो रॉ मैंगो, कच्चा आम, कच्चे आम की जो चटनी है वो बहुत पसंद की जाती है हम, तो
तो कच्चे आम को भी आप स्टोर कर सकते हो। कच्चे आम को स्टोर करने के लिए आप कुछ स्लाइसेस ले लीजिए और प्लॉक बैग में डाल के स्टोर कर सकते हैं। इवन जो ये मैंगो पल्प है, ये भी आप स्मॉल पोर्शन में इस जिपलॉक बैग्स में स्टोर कर सकते हैं। आप उतना ही पोर्शन स्टोर करिए जितना आप एक टाइम पे कंज्यूम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंगो पल्प को स्टोर करने के या प्रिजर्व करने के मैंने आपको ये कुछ तरीके बताए हैं, कुछ टिप्स बताए हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।